हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ प्याज के पत्तों की सब्जी बनाने की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं आज प्याज के पत्तों की सब्जी बनाने की रेसिपी को। प्याज के हरे हरे पत्तों की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रखी और इसमें डाल लिया है ऑयल। तो हम यहाँ पर थोड़ा कम ऑयल डाल रहे हैं, आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। ऑयल हमने डाल लिया है और ऑयल यहाँ पर गर्म होने लगा है, तो इसमें हम जीरा डाल लेते हैं। एक स्पून हमने जीरा डाल लिया और अब यहाँ पर प्याज के पत्ते हमने अच्छे से साफ करके काट रखे हैं, तो इन्हें भी डाल लेते हैं। प्याज के पत्तों की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी होती है और सर्दियों के सीज़न में बहुत अच्छे अच्छे प्याज के पत्ते आते हैं, उनकी सब्ज़ी बनाकर हम इसे ले सकते हैं। हरे हरे पत्तों की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी होती है और इसमें पानी भी रिलीज होता है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा ऐसे ही पलट पलट कर कुक करेंगे। जब इसमें से पानी रिलीज हो जाएगा उसके बाद हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। थोड़ा सॉल्ट हमें कम डालना है क्योंकि पानी रिलीज हो जाएगा और सब्ज़ी हमारी बहुत कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर हाफ स्पून से भी कम इसमें सॉल्ट डाल लिया है और एक स्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर डाल लिया और एक स्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल ली है और दो स्पून यहाँ पर हमने धनिया पाउडर डाल लिया। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बढ़िया सी हमारी प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बनती है। तो बहुत सारे लोग इसे टमाटर डाल के बनाते हैं और बहुत सारे लोग इसे दही डालकर भी पसंद करते हैं। तो आज हम इसे दही डालकर बनाएंगे। यहाँ पर इसे अच्छे से कुक होने देंगे। तो अब हम सब्ज़ी को कुक होने के लिए छोड़ देंगे। सब्जी को हम बीच बीच में पलटते रहेंगे। पानी जैसे ही इसमें सूखने लगेगा, सब्जी हमारी ड्राई होने लगेगी, तो हम इसे पलट पलट कर कुक करेंगे और ड्राई होने पर हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी ड्राई होने लगी है, अब हम इसमें दही डाल लेते हैं। दही डालकर बनाई गई सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होती है और चाहें तो आप इसमें टमाटर डाल के बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर दही डालकर बना रहे हैं और कभी कभी हम टमाटर डालकर भी इसे बनाते हैं। और दही बहुत थिक है तो हमने इसमें थोड़ा पानी डाल लिया है। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्ज़ी हमारी बढ़िया सी बनकर तैयार होगी। पानी थोड़ा और डाल लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा देर इसे हम यहाँ पर और कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दही डालकर हमने सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया और सब्ज़ी साथ में कुक भी हो रही है। गैस बिल्कुल हमने लो फ्लेम में की है और ये बॉईल होने लगी है। आप देख सकते हैं बढ़िया सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को कर लेंगे बंद और सब्ज़ी को कर लेंगे सर्व। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बनाकर की है तैयार। अगर आपको आती है मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।